गाड़ी एकदम पीछे चिपका के चला रहा है गाड़ी। वो ड्राइवर आदमी है, ठीक, मेरी बात सुनो, वो भी ड्राइवर आदमी, हम लोग भी सेल्समैन है, ठीक है ना, वो सही है, उनका भी दिन का जॉब है, हम लोग का भी दिन का जॉब है, ठीक है, मुझे भी इसके लिए पैसा फ्री में नहीं मिलने वाला है। और ये ऐसा तो है नहीं कि ये सब इंश्योरेंस में जाएगा करके, इतना बड़ा एक्सीडेंट है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन में तो लग रहा है कब, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है मुझे। कितना दिन वेट किया? इतने साल वेट किया ऐसा लग रहा है, दिन नहीं, एक एक दिन एक एक साल के बराबर थे। तो समझ रहे हो आप कैसा रहा होगा इसका दर्द, कैसे बेचारा ऑफिस आ जा रहा होगा, मुझे ही पता है। रिक्शे से रिक्शे से मजा आ रहा होगा ना रिक्शे में तो। अरे भाई रहने देना भाई। तो पहुंच चुके हम लोग, क्या नाम था, ट्रैम के शोरूम पे, और ये है सूरत, ये है ट्रैम का शोरूम। और हम लोग थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं यार, क्योंकि हम लोग ने वीडियो नहीं लिया, वैसे मेरे टाइम पे वीडियो तो नहीं लिया था, लेकिन इसके टाइम पे वीडियो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वही तो, क्योंकि क्या है ना कि मेरे टाइम पे था नहीं। तो भाई की बाइक वहाँ पे रेडी है और बहुत मज़ा आया, सच में बहुत ही अच्छा फीडबैक था और बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे से ट्रिक किया एंड केक वगैरह तो बहुत ही अच्छा था। क्या बोल रहा है? चलो फील्ड लगाना पड़ेगा, है ना, एक पॉइंट है ना भाई, है एक पॉइंट है, 60 किलोमीटर अराउंड जाएगा तब तक पेट्रोल पम्प आ जाएगा, ठीक है। चल आई गॉड, गाड़ी की हालत देखो इतनी गंदी हो चुकी है गाड़ी यार। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, एक मेरा फ्रेंड है उसके घर पे जाना है, फिर उसके बाद में डायरेक्टली हम लोग चले जाएंगे वापी। ओके, इससे गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा सही लग रही है मुझे। हाश ट्रैफिक तो हमेशा होती है सूरत में यार, बिना ट्रैफिक के सूरत ऐसा लगता है कंप्लीट ही नहीं होगा, और एक्चुअली कोई भी जगह हो यार, मुंबई में तो इससे ख़तरनाक होता है। बाकी एग्जॉस्ट सुनो यार गाड़ी के यार, थोड़ा सा और कराने वाला एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा ना कि एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है गाड़ी का, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा कम ऐसा लगता है मुझे। करना करना दो बंदे लोग मिले थे, बोलते हैं भाई YouTube चैनल है भैया, हमको थोड़ा ले लो। तो दोस्तों कुछ ऐसी सी हालत है अगर आप सूरत में हो, इतनी ज़्यादा गर्मी, अच्छा है कि लेयर नहीं पहना, अगर लेयर पहना होता तो वाट लग जाती पूरी की पूरी। बाकी तालिब अपनी बाइक पे आगे है और मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा रुके हुए थे ये होटल में नाश्ता पानी करने के लिए, और अभी हम लोग का जो मेन हाईवे है वो सामने है ऑब्वियसली, एंड
कुछ 150-200 किलोमीटर, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, मतलब 110 किलोमीटर अराउंड कुछ बाकी है, तो भगाएंगे यार थोड़ा सा। तो अभी चलाते थोड़ा सा ट्रैम, हाईवे आ चुका है, ECG कुछ ऑफ वगैरह है। वाह यार, माई गॉड क्या लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है ये गाड़ी और ये गाड़ी हल्का सा नीचे है, मतलब इसका जो सीटिंग पोस्चर है थोड़ा सा नीचे है और इसका हल्का सा ऊपर है। और बताएंगे क्या क्या फ़र्क है। ओके माई गॉड, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। ओके यार बहुत ही लाइट वेट है यार सच में, मतलब बहुत लाइट वेट गाड़ी लग रहा है, प्लस बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी और सीटिंग भी बहुत सही लग रहा है इसका एक्चुअल में। यार वाइब्रेशन सच में, मतलब जितना ज़्यादा इसमें RTR में वाइब्रेशन है उसका तो इसमें तो थोड़ा सा भी नहीं है वाइब्रेशन, समझ रहे हो, मतलब कितनी सही गाड़ी है। और इसका क्लच एक्सेलरेटर मतलब हर एक चीज़ कितना परफेक्ट, मतलब ट्रैम तो ट्रैम है, मतलब बोलने के मैं बोल नहीं पा रहा, समझ रहा हूँ, मतलब इतनी प्यारी गाड़ी, इतनी अच्छी गाड़ी है यार ये। बाकी तो इसके साथ में वीडियोस मेरे बहुत सारे आने वाले हैं, जैसे कि डिलीवरी और सबका तो ऑब्वियसली आने वाला है, बाकी फर्स्ट गियर चैलेंज वगैरह आएगा, टॉप स्पीड का वीडियो आएगा, 0 to 100 कितना जाता है, 0 to 100 कितने सेकंड में जाता है वो भी आएगा। तो यार लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर देना, कमेंट भी करना कि हम इस बाइक के साथ में क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी इसकी टॉप स्पीड देख रहे हो 180, बाकी ये भी गाड़ी कुछ 165 अराउंड जाती है, बट अभी हम इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं भगाएंगे, एटलीस्ट 1000 किलोमीटर तक, जब तक 1000 किलोमीटर नहीं होता तब तक। यार सच में लेकिन गाड़ी बहुत लाइट वेट है यार, मतलब बहुत सिंपल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि मैं ट्रैम चला रहा हूँ, समझ रहे हो, मतलब इतनी लाइट वेट है वो गाड़ी में, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन है ना। और भाई ये क्या कर रहा है, भाई भाई गड्ढे में कुदा रहा है यार मेरी गाड़ी। भाई ये बहुत सही चल रहा है, इसका मेन चीज़ तो इसका मीटर भी है, ऐसे ऊपर से नीचे आ, मतलब नीचे से पूरा ऊपर आता है ये इसका जो मीटर है। ओके इसमें गियर यहाँ पे बताता है किलोमीटर वगैरह, मतलब अभी तक 42 किलोमीटर आई थिंक से कुछ चली है गाड़ी, टाइमिंग भी आ गया, पेट्रोल का भी आ गया, एक्सेलरेटर यहाँ पे इसमें बीच में आता है, बाकी इसमें मोड्स भी दिए हुए हैं बट नहीं पता कि कैसे ऑन ऑफ करते हैं, तो उसमें तो नहीं जाना है। बाकी यार सच में मतलब यार इम्प्रेस हो गया यार मैं, मतलब खुशी हो, जो खुशी हो रही है ना गाड़ी चला के कि मतलब क्या ही बोलूँ यार, एकदम लाइट वेट है गाड़ी। ऐसे मतलब RTR लेने के बाद मेरे को इतना वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है कि मैंने RTR ले लिया, क्या ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी गाड़ी अच्छी है लेकिन वाइब्रेशंस है गाड़ी में ऑब्वियसली, बाकी ये गाड़ी में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है यार, वाइब्रेशन मतलब क्या परफेक्ट फील हो रहा है यार गाड़ी को चलाते हुए, ऐसा लग रहा है ना कि ये गाड़ी आराम से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर आप इजीली लेके आ सकते हो बिना थके, समझ रहे हो। ऐसा लग भी रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर बैठा हुआ हूँ क्योंकि एक्चुअल में जो इसका सीटिंग पोस्चर है ना बहुत ऊपर है, लाइक 840 या फिर 830 mm है, क्योंकि अभी कुछ भी सेट नहीं किया हुआ है गाड़ी में। बाकी देख रहे हो RTR का जो लुक आ रहा है ना, वैसे पीछे का तो RTR का लुक भी तगड़ा आता है। आपको एक चीज़ पता है कि ये जो दोनों गाड़ियाँ ना टॉप एंड में दोनों गाड़ी सेम है, इवन आप 0 to 100 लगाओगे ना तो भी ये दोनों गाड़ी सेम ही है। हाँ भले ये गाड़ी 40 bhp है एंड वो 36 bhp है लेकिन आपको पता है कि उसमें BMW का इंजन है, लेकिन यार टॉप एंड आपको हमेशा नहीं जाना है और एक्सेलरेशन भी आपको बार बार नहीं करना है। गाड़ी चला रहे थे
पहले धक्का लगा ठीक है, वापस एकदम घुसेड़े थे अंदर। सच में तुम बीच में गलती मेरी है मालूम है, पर आप क्रॉस में मारते तो मैं इतना ब्रेक नहीं मारता। अरे मेरी गाड़ी ना अंदर से बीच में कूद गई थी, इसलिए मैं उसके पास देख रहा था। भाई बात सुन, बात सुन, गलती तेरी तो मान रहा है ना? नहीं गलती मेरी पूरी नहीं है, पूरी सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, इसका जो भी खर्चा है दे दे, हम लोग को जाने दे, ठीक है? और कुछ नहीं बोलेंगे भाई हम लोग। कैसे करेंगे सर? कितना पैसा? 2000 तक और क्या? कितना? 2000 भाई, तो हमारे से होता तो हमको भी देना पड़ता है ना सामने, है ना? कुछ हमसे भी होता तो हमको भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है ना? जो भी था ना कंपनी से मैंने डायरेक्टली पूछा, ठीक है, कितना कितना खर्चा आएगा, बैंड निकल जाएगा उसमें, 200-300 में। बैंड तो निकल जाएगा ना, बैंड हुआ है अंदर से, बैंड तो निकल जाएगा ना भाई। ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है ना, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्टली नया लगता है चेचेस के साथ में। उसका पेमेंट भी नहीं आता आज के पूरे ट्रिप पे, उसमें पूरे ट्रिप में उसका 500 मिलने वाला है। मैं मेरी बात सुनो भाई, सुनो ना मेरी बात, सुनो इधर मेरी बात सुनो, आप जो बोल रहे हो पूरा दिन का 500 रुपए आज उसके पास, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हम लोग भी, मेरी बात सुनो, हम लोग भी सेल्समैन है, हम भी 10-12 घंटा खड़े होते हैं ना, तब जाके हम लोग को 500 रुपए मिलता है, वही बात मैं, ठीक है? हाँ तो मैं भी उसी हिसाब से बोला मैंने, नहीं तो मैं डायरेक्टली सुनो, मैं भी फिर डायरेक्टली 10-15 हज़ार रुपये फिर बोलता फालतू का, वो नहीं मजा आता। मैंने सामने इनके स्पीकर पे बात किया, मैंने जो भी सामने वाले ने बोला मैंने उनको क्लियर करा दिया भाई। उसका कुछ नहीं भाई, वो मजबूत गाड़ी है, तुम छोड़ दो भाई, वो मजबूत गाड़ी है, उसको कुछ नहीं होगा, ये तो प्लास्टिक गाड़ी है ना भाई। देखो भाई बोल दिया मैंने जो है, खर्चा जोड़ूंगा ना भाई तो 4000 के ऊपर जाएगा, मैं आधा ही मांग रहा हूँ खाली, गार्ड का मांग रहा हूँ खाली, गार्ड का ये नहीं बोला कि मेरे लाइट का दो, इसके मैं पीछे जाता आगे में उजड़ूंगा उसका दो, वो तो नहीं मांग रहा मैं। वो ड्राइवर आदमी है, ठीक, मेरी बात सुनो, वो भी ड्राइवर आदमी, हम लोग भी सेल्समैन है, ठीक है ना? वो सही है, उनका भी दिन का जॉब है, हम लोग का भी दिन का जॉब है, ठीक है? मुझे भी इसके लिए पैसा फ्री में नहीं मिलने वाला है, और ये ऐसा तो है नहीं कि ये सब इंश्योरेंस में जाएगा करके इतना बड़ा एक्सीडेंट है। भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जितना पैसा है ना, जितना पैसा है ना, मैं सिर्फ उतना ही मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी स्प्लेंडर गाड़ी वगैरह सिंपल गाड़ी होता ना 500-600 में कंप्लीट करो, लेकिन ये गाड़ी आपको पता है कैसा है, ठीक है? इसका एक एक पार्ट भी कैसा आता है आपको पता है, ठीक है? आरटीओ के पीछे नंबर मारना हो तो मुझे मारना है, मैं उसका भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा मेहनत का दो, मेरा उतना दिन का पैसा दो, जो है मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ भाई, जो है डायरेक्टली बोल रहा हूँ। हम वो नहीं बोल रहे, नुकसान तो हुआ है, वो सही है, नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। नहीं नहीं आएगा, नहीं है भाई, देखो मेरी बात सुनो, 4000 बोल के 2000 रुपए हम लोग नहीं मान रहे, सुनो सुनो, मैं 2000 बोल रहा हूँ, ठीक है? वो भी सिर्फ जो काम हुआ है, जो खर्चा है, मैं सिर्फ उसका ही मांग रहा हूँ, ऐसा भी नहीं मैं 2-3 ज्यादा मांग रहा हूँ यार। भाई आप भी बात को समझो भाई, आप भी बात भाई, मुझे जाना पड़ेगा सूरत, हमारी देखो हमारी बात भी समझो भाई, तुम जो भी बोलो, देखो तुम जो भी बोलो, अभी बंदा वो चला रहा है, अभी बंदा वो, अभी मालिक नहीं चला रहा है, बंदा वो चला रहा है, ठीक है? गलत नहीं बोल रहे हो आप, जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो भाई, ऑन कॉल बात करा, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी और से बात कर भाई। हमारे भी गाड़ी का जब मुर्गी आती है ना, 120 रुपये मुर्गी की कीमत है ना, 120 रुपये किलो, वो लोग क्या लेते पता है, 500-1000 रुपये ले लेते हमसे, वो तो हम तो वो भी नहीं बोलते भाई, हमको भी पता हम सड़क पे चल रहा है होता है एक्सीडेंट, बट जो नुकसान हो वही मांग रहे हैं ना आपके, मैं गार्ड का पैसा मांग रहा हूँ, बाकी किस चीज़ का तो मांग ही रहा हूँ। अभी मैं आऊँगा सूरत लेके जाऊँगा गाड़ी को बनवाने के लिए, और फ्यूल उसमें लगेगा, फिर गाड़ी फ्री में तेल पानी भी चल के जाएगा, 1000 रुपये लाने जाने में फ्यूल लगेगा, भाई तो आप भी समझो ना भाई, मैं बात नहीं किया होता ना अगर, हम आपको गलत बोल नहीं रहे, हम जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो भाई, हमारी बात भी समझो लेकिन ना यार, अभी हमको भी सूरत जाके बनाना है, हमारा भी 2-3 दिन आराम से वेस्ट होगा, उसके बाद में आरटीओ के पीछे जाओ वो भी अलग है। अगर गाड़ी मालिक होता ना तो हम उल्टा बोलते हैं भाई, आपने जो माइनर किया है। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दो भाई, देखो अभी गाड़ी कौन चला रहा है हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है? किससे हुआ है हम लोग को वो दिख रहा है, मालिक की बात हटा दो ना यार, अभी गाड़ी तो वो चला रहा है ना, ठीक है ना? तो रिस्पॉन्स तो पूरा इनका बनता है फिर भाई, हम भी कोई अमीर नहीं है भाई,
हम भी कोई अमीर नहीं है भाई। अमीर होता तो मैं खुद 1000 सीसी गाड़ी लेके चला रहा भाई, मान लो इतनी यार। भाई नहीं होगा भाई, देखो टाइम, देखो मेरी बात सुनो, हम आपको गलत नहीं बोले, आपकी बात सारी सही है, आपकी बात सारी सही है, हमारा भी बहुत सारा काम है भाई, हमको भी टाइम वेस्ट करने का कोई वो नहीं है। 200 मेरी तरफ से ले लो भाई। देखो जो है मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ भाई, 200 सब कुछ नहीं भाई। ऐसे मत करो यार, सबसे मिला के कॉन्ट्री करके दिया खाली उसका, इतनी बार तो सबसे मिला के आपके सामने सबके सब भाई हमारा। चल 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 भाई साहब, चल कोई नहीं, चल हट यार, पूरी मूड की वाट लगा डाले यार। पूरी मूड की मतलब पूरी मूड की वाट लग गई समझा, इतना अच्छा खासा मूड था ना, लेकिन यार क्या ही बोलने का यार। वो बंदे को भी हम लोग ने इतना ज़्यादा वो नहीं किया, वो भी बंदा ड्राइवर आदमी और सब लोग ने 500 रुपये यार मिल कर दिया यार, खराब लग रहा था लेने का, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं यार।